अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं धुआंदार कीमा कढ़ाई, जिसके लिए हमने तकरीबन हाफ कप ऑयल ले लिया है। अब ऑयल जो है हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कीमा डाल देंगे, और कीमा हमारे पास तकरीबन 800 ग्राम है। धोने के बाद इसे हमने छलनी में, आप देख सकते हैं, सही डाल ये है। डायरेक्टर साहब ने, साहिबा ने दिखाया आपको, आप देख सकते हैं कि कीमा कितना, मतलब ये कि चिकनाई से पाक है। साथ ही हम जो है इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे, साथ ही 3 हरी मिर्चे भी शामिल करते हैं। अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से हिला लेंगे, इसको मिक्स, ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने डाला है इसको जो है इसके साथ अच्छे से, और मिर्चों को का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। जब तक ये इसका पानी सूख रहा है उस वक्त तक हम ये काम कर लेंगे। ये हमारे पास 1/2 टीस्पून जीरा है और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, जो कि बेगम हमारी जो है वो इसको जो है मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, इसमें काली मिर्चें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें हम देंगे, ये जीरा है सफेद। ये देखें व्यूअर्स, पानी ड्राई हो चुका है कीमे का। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप जो है दही डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, जीरा और काली मिर्च हमने पीसा। अब इसे हम जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे जो है पकाएंगे। पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें जो है टमाटर, जो स्लाइसेस में हमने टमाटर के स्लाइस काटे थे, ये तकरीबन 4 दरमियाने साइज की जो है टमाटर है, जो कि हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक और मिर्चें, इसको 10 से 12 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि हमारा कीमा जो है अच्छी तरीके से ढक जाए। ये देखें व्यूअर्स, हल्की आंच पे पकते हुए इसे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे जो है अच्छी तरीके से भूनेंगे। और इस स्टेज पे हम जो है इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिर इस पे जो है मजीद चीजें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है कि हमारा जो है कीमा तैयार हो गया है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डालना है हमें। जैसा कि नाम से जाहिर है कि धुआंदार कीमा कढ़ाई है, तो इसमें जो है हमें धुआं भी लगाना है और भी कुछ
चीजें बाकी रहेंगी ये जो कि आप इसमें मिक्स करेंगे। जो है ये प्याज के रही इसमें डालेंगे, इसमें जो है बारीक कटी हुई अदरक हम डालेंगे और हरा धनिया जो कि हम काट चुके थे पहले, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। ये रखेंगे, हमने ये कोयला डाल दिया है और इसमें जो है जलता हुआ कोयला है। व्यूअर्स, हमने धुआं लगाने के लिए इसमें कोयला रखा और कोयले में थोड़ा सा घी टपका दिया है, सही है। तो अब ये जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया। ये देखिए व्यूअर्स, धुआं अच्छा खासा लग गया है और कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसका रिव्यू जो है हमारी बेगम देगी। ये तो अच्छा नहीं लगता कि मैं ही पकाऊं और मैं ही रिव्यू दूं कि हाँ भाई माइंड ब्लोइंग है या आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए इसका रिव्यू जो है हमारी बेगम देंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बेगम रिव्यू देंगी, सही है, क्योंकि मैं खुद ही पकाऊं और खुद ही रिव्यू दूं आप लोगों को, है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं जो है ये बेगम से रिव्यू बेगम देंगी हमारे। देखने में तो बहुत मजेदार लग रहा है। और खुशबू खा के भी देखें आप, खुशबू भी बड़ी मजेदार आ रही है। खा के देखें आप कैसा लगा आपको ये। मैं निवाला काफी बड़ा हो गया है। अच्छा, सॉरी। सही है, निवाला आने वाला। अब मैं ये जो है ना बेगम को खिला रहा हूँ, फिर वो रिव्यू देंगी। बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार, माइंड ब्लोइंग, वाकई बहुत मजेदार है, वाकई में बहुत मजेदार है। शुक्रिया। बहुत मजेदार, और हालांकि मसाले इसमें बहुत कम आपने डाले हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बिल्कुल बराबर हर चीज़ माशाल्लाह। और आपको मैं दूंगी इसमें से 10 में से 10, 10 of 10। थैंक्स। सही है व्यूअर्स, अब हम इजाज़त लेते हैं और हमारे रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें दावतों में बनाने वाली रेसिपी है, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप सबको जो है नौश आमिर का और सैयद आमिर की तरफ से सलाम। बहुत ज्यादा जबरदस्त। बस एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमने जो ये प्याज पहले ही डाल दी थी ना, ये प्याज की जो ये रिंग है, तो इसमें भी उसका जो धुआं हमने दिया ना बारबेक्यू का, तो इसमें भी रज बस गया प्याज में, हरी मिर्चों में, हरी मिर्चों में, प्याज में, हरा धनिया जो आखिर में हमने डाला। तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरीके, जबरदस्त।